श्री कृष्ण, नई नवेली किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम आलू खा खा के बोर हो जाते हैं, जैसे आलू का पराठा, आलू का सैंडविच, जिसमें देखो उसमें आलू ऐड करते हैं, और बच्चों को भी आलू बहुत पसंद है, तो हम अक्सर हर जगह आलू मिक्स करते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए जो स्टफिंग लाई हूँ बिना आलू के, लेकिन वो हेल्दी भी है और अच्छी प्रोटीन रिच है। तो चलिए आज नई नवेली किचन में बनाते हैं पीनट से एक अच्छी सी स्टफिंग। आइए मैं आपको अपनी स्टफिंग से मिलवाती हूँ कि स्टफिंग में हम क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर ले रही हूँ मैं प्याज, ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज है जिनको कट कर लिया है। साथ में है एक हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया, इन सबको मैंने छोटा छोटा क्रश कर लिया है। साथ में ये आधा कप मूंगफली है जिसको मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है। साथ में ये एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसको बारीक बारीक काट सकते हैं, आप चाहे तो इसको प्योरी कर सकते हैं, मैंने इसको हल्का सा ग्राइंडर में चॉप कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी स्टफिंग। ये स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं थोड़ा सा तेल, लगभग एक बड़ा चम्मच तेल लिया है हमने। इसको गरम होने देते थोड़ा सा। ठीक है, हमारा तेल गरम हो गया। हम सबसे पहले डाल रहे हैं हम सौंफ, ये एक टीस्पून सौंफ है। डाल देते हैं अपना प्याज, इसमें प्याज को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमको हल्का सा पिंक होने देते हैं। साथ में यहाँ पे जो हमने अदरक काट के रखी है, अदरक और साथ में हरी मिर्ची डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको गुलाबी होने देते हैं। लीजिए, यहाँ पर अब हमने डाल दिए टमाटर कटे हुए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर डाल रहे हैं हमने हाफ टी स्पून, लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं थोड़ी सी हम। लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं इसमें। अभी यहाँ पर हमने जो धनिया काट के रखा हुआ है, ये हरा धनिया डाल देते हैं। अभी इसके अंदर डाल देते हैं मूंगफली। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है। आप इस स्टफिंग का इस्तेमाल पराठा बनाने के लिए भी कर सकते हैं और सैंडविच में भी कर सकते हैं, दोनों चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पराठे बच्चों को जरूर पसंद आएंगे, बहुत ही यम्मी लगते हैं ये। यहाँ पर मिला देते हैं नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार मिलाएं। साथ में ही थोड़ी सी अब मिलाते हैं कसूरी मेथी। देखिए ये कसूरी मेथी घर पे बनाई हुई है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस तरह से मेथी को हमेशा क्रश करके डालना चाहिए। साथ में ही यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। अगर आप चाहे तो गरम मसाले के साथ चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हल्का सा एक गरम मसाला दिया है 1/4 टीस्पून, और आप इसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लीजिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है पराठे के लिए या सैंडविच के लिए। और यकीन मानिए बच्चों को बना रहे हैं, इसके मसाले में आप थोड़ा सा वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला या चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, या आप पराठा बना रहे हैं तो इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, और ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा, एक ही स्टफिंग से आप पराठा भी बना सकते हैं और सैंडविच भी बना सकते हैं। ब्रेड को मैंने गोल कट कर लिया है कुकी कटर से, आप चाहें तो पूरी साबुत ब्रेड भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों को जब सर्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ उनके लिए नया हो, सैंडविच का नाम सुनते ही वही दिखता है कि ब्रेड का स्लाइस है जिसको हमने तिकोना काट लिया है। तो आज हम थोड़ा सा गोल परोस देते हैं बच्चे को,
तो बच्चों को थोड़ा सा कुछ चेंज लगेगा। इस तरह से अब हम अपना तवा ऑन कर लेते हैं। चलिए इस तरह से सैंडविच पे हमने ब्रेड पे बटर लगा दिया है, इसको तो दोनों तरफ से पलट पलट के करारा सेक लेते हैं। साइड में हम एक, मैं आपको पराठे में भी बेल के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा पराठा बनेगा इसका। जब तक ये हमारा करारा होता है हम पराठा बेल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से बटर डाल के इसको हम सेक लेते हैं। इस तरह से इसको दोनों तरफ से करारा करारा सेक लेंगे बटर डाल डाल के। एक सिंपल आटा है जो हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए लेते हैं, एक लोया लेते हैं हम, इसको बेल के इसकी स्टफिंग भरते हैं। इसकी स्टफिंग भरने में देखिए बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी और पराठा बेलने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। स्टफिंग आप जितनी हैंडल कर सके, कम या ज्यादा आप उसके हिसाब से इसको स्टफ करें। आप चाहे तो दो रोटी बनाने के बाद एक दूसरे पे रख के उसको तब भी आप बेल सकते हैं। कई लोगों को स्टफिंग बेलने में दिक्कत आती है। तैयार है हमारा, इसको अब हल्के हल्के हाथ से हम बेल लेते हैं। देखिए हमारी पराठा तैयार है, अब इसको सेक लेते हैं हम अच्छे से करारा करारा। देखिए पराठा हमारा कितना अच्छा करारा हो गया है, इसको कट कर लेते हैं। अब आप इसको बच्चों को सर्व कर सकते हैं दही के साथ, सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ। देखिए हमारा पराठा लेयर पूरा अच्छे से। अब आप चाहें तो इसके साथ, जैसे हमने मूंगफली का ये स्टफिंग सर्व की है, इसके अंदर स्टफ किया है मूंगफली को, इसके साथ में आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो आप इसके अंदर चीज डाल के भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं, तो बच्चों को बड़ा मजा आएगा। इस पॉकेट में आप वापस से थोड़ी सी चीज डाल दीजिए और इसको वापस करारा सेक लीजिए तो बच्चों को मजा आ जाएगा। आप इसको और बच्चे खाएंगे डेफिनेटली इसको सॉस के साथ। ये तैयार है एक ही स्टफिंग से आपके लिए पराठा भी और सैंडविच भी। अब आपको जो पसंद है आप उसको बना सकते हैं।